मध्य प्रदेश के सोनकच्छ में एसडीएम शिवानी तरेटिया ने शांति समिति की बैठक की है। पुलिस थाने में हुई इस बैठक में आने वाले त्योहार नवरात्रि और दशहरा को लेकर चर्चा हुई। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आगामी त्योहार मनाए जाना है, तो ऐसे में एसडीएम ने त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था समेत कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर चर्चा की। साथ ही कोरोना महामारी में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। निर्देश हमको आए हैं जिला कार्यालय कलेक्टर के माध्यम से, उसका हमने सभी शांति समिति के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको उनसे अवगत कराया गया है, क्योंकि जो प्रतिमा की ऊंचाई है उसको लेकर अब कोई प्रतिबंध नहीं है। पांडाल का जो साइज़ है वो मैक्सिमम 30x45 फीट का होगा, वर्ग फीट का, और उसके लिए जो भी आयोजक हैं उनको पृथक से अनुमति अनुभागीय अधिकारी कार्यालय से लेनी पड़ेगी सोनकच्छ से। दूसरी चीज़, जो विसर्जन के लिए व्यवस्था पहले अपनाई गई थी जो पिछले त्यौहार थे, वही व्यवस्था भी अपनाई जाएगी, उसके लिए भी पृथक से अनुमति कार्यालय से ली जाएगी, जिसमें 10 सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की चुनरी यात्रा, चल समारोह और डीजे वगैरह प्रतिबंधित होंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए आयोजकों को त्यौहार का आयोजन करना है। मैडम, एक प्रशासन की ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कराना है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं? इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आयोजकों की है, प्रशासन उस पर वॉच रखेगा, अगर कोई भी उसमें कोताही बरतता है तो उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। ठीक। अच्छा मैडम, एक बात है, अभी पिछली बार शांति समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ शरारती तत्वों ने जो है कि उस बात को माना नहीं था, उसके अंदर भोजन भी हुआ था, सब हुआ था, उसमें अभी कोई कार्रवाई अभी तक उसके खिलाफ हुई या नहीं? उसमें आपको जैसे विदित होगा, उसमें प्रकरण दर्ज किया जा चुका है, कार्रवाई पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। शांति समिति की बैठक में एसडीएम के अलावा तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे, साथ ही सीएमओ रोहित मानोरिया और दूसरे विभागों के भी ऑफिशियल्स मौजूद रहे। देवास से न्यूज़ के लिए कल्किराज डबी की रिपोर्ट।